वाराणसी के लिए निकल चुके हैं। हम बोकारो स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं बोकारो स्टेशन का क्या शानदार दृश्य है। ये बोकारो स्टेशन का बाहर का दृश्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, ये पार्किंग। हम चलिए हम लोग चलते हैं स्टेशन के पास। स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। छोटा स्टेशन है बट बहुत शानदार बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ से हम रांची से ट्रेन पकड़ेंगे जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, देख सकते हैं। अंदर आ चुके हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, हम लोग 2 पे चलेंगे। अंदर भी कितनी साफ सफाई है देख सकते हैं। चलिए सीधे के द्वारा हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चल 2 पे चलते हैं, सॉरी 2 पे चलते हैं, 1 पे पकड़ हो गए हैं। कितना अच्छा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, और स्लोगन पे यहाँ पे लोग भी लाया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह साफ ही साफ मेंटेन मेंटेन किया गया है स्टेशन पे। तो ये लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता अपनाएं बीमारी भगाएं, ये सब लिखा हुआ है स्वच्छता से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्टेशन ऊपर से कितना अच्छा है, शानदार स्टेशन, साफ सफाई भी है। हाँ, हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जो यहाँ की हमारी LFP ट्रेन आने वाली है, जो कि हमें रांची 2 घंटे पहुँचा देगी। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कैसा है। नया ट्रेन बिल्कुल बोगी भी नहीं लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन में अंदर साफ सफाई अच्छा है। ट्रेन खुल गई है बोकारो से रांची के लिए। ये बाहर का दृश्य है जो कि ट्रेन के अंदर से लिया गया है, आप देख सकते हैं। बोकारो से रांची जाने के क्रम में आप ट्रेन से बाहर का दृश्य देख सकते हैं, कितना मनमोहक दृश्य है। पेड़ पौधे पहाड़ियाँ बहुत सारे हैं जो कि आप आगे देखेंगे और आप खुद फील करेंगे कि क्या शानदार लुक है, क्या शानदार दृश्य है। बिल्कुल शानदार दृश्य, ये ट्रेन के अंदर का दृश्य है देख सकते हैं। अभी ट्रेन पूरी खाली है, आगे धीरे धीरे ये ट्रेन जैसे जैसे आगे चलेगी पैसेंजर आते जाएंगे और सीट भरते जाएगा। ये हमारा सीट है देख सकते हैं आप, चार्जिंग पॉइंट एवरीथिंग है इस ट्रेन में, और साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से किया गया। ये बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, क्या शानदार दृश्य है जो ट्रेन के अंदर से लिया गया है। हमारा चूँकि AC में रिजर्वेशन था तो हम ट्रेन के अंदर से ये पिक्चर ले पाए, आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य, हरे भरे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पहाड़ियाँ, छोटे बड़े पहाड़ियाँ, ऐसा मनमोहक दृश्य शायद आपने कभी ना देखा हो। देख सकते हैं क्या दृश्य है। देखिए
या पहाड़, पौधे, छोटे छोटे घर, अद्भुत दृश्य, शानदार दृश्य। चलिए अब हम जल्दी ही हटिया स्टेशन पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैं रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट से मुंबई जाऊंगा, तो हटिया से मुंबई एयरपोर्ट नज़दीक पड़ेगा, तो हम लोग हटिया स्टेशन पे उतरेंगे और वहाँ से रांची एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। देखिए बोकारो से रांची जाने के क्रम में क्या शानदार दृश्य नज़ारे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर से भी। ऐसा देश है जैसे जहाँ फिल्म की शूटिंग भी किया जा सकता है, देख सकते हैं अद्भुत। शानदार जानदार अद्भुत दृश्य। हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। चलिए एयरपोर्ट के पास चलते हैं, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। देखिए बाहर का दृश्य भी शानदार है, ये एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं छोटा एयरपोर्ट है लेकिन अच्छा एयरपोर्ट है। हर जगह का फ्लाइट यहाँ से अवेलेबल है, इंडिया में लोकल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट जो बोलते हैं जी। एयरपोर्ट का बाहर का दृश्य शानदार दृश्य। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का दृश्य देखते हैं। यह अंदर का दृश्य है, देखिए छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ पे सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, बस काफ़ी कम है, पब्लिक तो बहुत कम है। चलिए एक्चुअली हमारा फ्लाइट 5 नंबर गेट से होगा तो ऊपर चलते हैं, ये ऊपर का दृश्य है। हमारा फ्लाइट आने वाला है जो कि यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे उसमें मुंबई के लिए रवाना होंगे यहाँ से। ये हमारा फ्लाइट आ चुका है, अब इस पर हम लोग बैठ के मुंबई के लिए रवाना होंगे। चलिए मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं, हम लोग यहाँ पे मुंबई में लैंडिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं शानदार दृश्य मुंबई एयरपोर्ट का, जो कि फ्लाइट के अंदर से लिया गया है, देख सकते हैं। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, शानदार दृश्य। थैंक यू वेरी मच।